क्या है ये मामला, कितने वेपन्स जो है ये बरामद किए गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पिंपरी चिंचवड़ शहर पुलिस के लिए, और कितने वेपन्स थे, कहाँ से बरामद किए गए और इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इसमें अभी तक 42 कंट्री मेड वेपन्स हमने जब्त किए हैं, इसमें करीब 15 लोग अभी तक अरेस्टेड हैं और आगे भी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है रिसीवर्स की, उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसका जो तार है वो मध्य प्रदेश से लिंक है, मध्य प्रदेश से हमारे लोग, हमारे घर के क्रिमिनल्स वेपन लेने जाते थे और यहाँ लाके इनको जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स और लोगों को बेचते थे। सर, आरोपियों के बीच में क्या लिंक था, वो किस तरह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में थे? सब आरोपी जो थे इनकी सब जेल वेल में मुलाकात हुई है और सारे आरोपी जो वेपन लेने जाते थे उनके सब पे बड़े गंभीर अटेम्प्ट टू मर्डर डेपोटी वगैरह के ऑफेंसेस जाते हैं। सर, जिस तरह से फिल्मों में भेष बदल के जो है अपराधियों को पकड़ा जाता है, उसी तरह से भी ये मामला डिटेक्ट किया गया ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें हमारी टीम ने बहुत परिश्रम किया है, मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने गाँव में कैंप किया है, गाँव में अलग माहौल और उसमें जो है उन्होंने लगातार 3 महीने परिश्रम करके ये सारे वेपन्स रिकवर किए।